नमस्कार और आप देखें पलटन। हैदराबाद में इनेलो नेता और पूर्व पार्षद कुलवंत सिंह के घर पर उसकी गाड़ी पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। इनेलो नेता के घर पर बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग हुई और गाड़ी का पिछले हिस्से का शीशा फायरिंग में टूट गया। इनेलो नेता कुलवंत सिंह की कुछ समय पहले ही हत्या हो चुकी है। मृतक इनेलो नेता के भाई सुरेंद्र सिंह फौजी ने भाई की हत्या का अंजाम देने वाले आरोपियों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। मामले को लेकर के डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने कहा कि फायरिंग की घटना देर रात की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिया। फुटेज में फायरिंग होती नजर आ रही है और सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी है। इसके बाद पूरी जानकारी लेकर के मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पल पल फतेहवाद से राजेश भामो की विशेष रिपोर्ट। क्या मामला है, फायरिंग हुई है आपके घर के बाहर गाड़ी? सर ये हमारे जो पड़ोसी हैं, इन्होंने पहले 21 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हमारे बड़े भाई कुलवंत सिंह सोना पूर्व पार्षद और जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के सेवादार थे, उसको धोखे से ट्रैक्टर से कुचल कर उनकी हत्या कर दी थी जी। अभी इनका मैटर 304 बना रहे थे पैसे वगैरह दे के, पर नहीं बना, 302 बन गया। अभी ये बंदे आके हमारे को उकसा रहे हैं, इनको आगे पुलिस वालों ने इनको पड़ोस में घर में बिठा दिया जी। हम बोले इनको थोड़े दिन बाहर रहने दो, ये आके बोले इनका घर है ये तो यही रहेंगे। इनके और भी आते हैं पंजाब से बंदे, ये पुराने टाइम के मिलिटेंसी हैं और ये उस टाइम हमारे को पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, जिसकी हमने पिटीशन हाईकोर्ट में भी डाली भी दारा सिंह का नाम निकाल दिया इन्होंने जी। दारा सिंह साथ में है, ये बोलते तीन बंदे, हमने मेन दो ही सोनू और दारा का नाम लिया था और दारा ही अभी 3-4 बार पहले भी आके हमें धमकी दे गया है कि एक और मारूंगा इसके खिलाफ़। हमने एसपी साहब, डीसी साहब को, डीजीपी साहब सबको एप्लीकेशन दी हुई है ऊपर तक हाई कोर्ट में भी, क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा दे कर इन्होंने पहले अपना नाम कटवा लिया था दारे का FIR से, उसका कोई रोल नहीं है। अभी तो शरेआम आके ये रात को हमारे को उकसा रहे हैं, गोली भाई साहब की गाड़ी पे चला गए हैं ताकि फौजी बाहर निकले, अंदर से जेल से भी धमकियाँ देते हैं, एक और मारेंगे। आई विटनेस भी इनका पूरा प्लान है, अभी एक और मारे हम। तो आप जो रात को जो घटनाक्रम हुआ है, वो गोली जो है, आपको क्या लगता है कि आपने किसी ने देखा है कि किसने चलाई है, क्या मामला? देखा नहीं सर, ये दिवाली दशहरे का पर्व था, हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग तो अपना 6 बजे दरवाज़ा बंद कर देते हैं कैमरा, हम तो उसके बाद अपने कैमरे बाहर नहीं निकलते जी, सवेरे 5 बजे निकलते हैं जब गुरुद्वारे में, 6 बजे गुरुद्वारे में मेरी मिसिज जाती है तो आती दफा उसने देखा भी ये शीशा टूटा पड़ा, फिर मैं उठा, मैंने देखा भी 5 बजे कोई ई टूट नहीं है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, उस टाइम पुलिस वाले अपने चौकी इंचार्ज रविंदर सिंह जी आए हैं, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा देखा, सीसीटीवी कैमरा में सरेआम पेड़ के पास खड़े होके
दो आदमी साफ दिखाई है, जिसमें दारा बिल्कुल साफ क्लियर आ रहा है और गोपी उसका साथ दे रहा है, और भी बंदे इनके साथ आते हैं और तो यही बता सकेंगे कौन कौन इनके साथ है। जो आप कह रही है जो है बाहर नहीं निकलते घर से, आप उसका क्या कारण है कि बाहर क्यों नहीं निकलते? बाहर हम डरे हुए हैं जी, ये बोलते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं जी, मैं डी ग्रुप पी एन हूँ, अभी हमारे घर में ना मदर है ना फादर है, बड़े भाई साहब ही सारा काम धंधा करते थे, और बच्चे हमारा कोई 9th में पढ़ता है कोई 10th में पढ़ता है, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, ये बोल इसलिए डर के मारे हम तो बाहर नहीं निकलते कि गए, क्योंकि पुराने इन्होंने 4-5 मर्डर पहले भी कर रखे हैं, ट्रैक्टर से ही मार रखे हैं जी बंदे, सगा चाचा भी मार रखे। सुरक्षा तो भी ले सकते हैं आप? हमने काफ़ी बार एप्लीकेशन दिए कि सर यहाँ पर पुलिस पर हमें प्रोटेक्शन दी जाए, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, हमारा आर्म्स का लाइसेंस बनाया जाए, बट किसी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा जी हमारी, तो किसी ने नहीं सुनवाई जी। फायरिंग हुई, गोली कहाँ लगी है? गोली हमारे ये इस भाई साहब की गाड़ी में लगी है जी, अगर इसमें मैं होता तो मेरे भी लग सकती थी, ये मैं बाहर आता तो मेरे 100% लगती जी। किस टाइम चलाई गई गोली? ये 12:41 पर चलाई गई है जी। क्या मतलब मोटिव क्या था गोली चलाने का? गोली चलाने का मोटिव यही है कि ये डर के अपना केस वापस ले लेंगे। तो आप क्या डिमांड करते हैं? हम ये हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे बच्चों की सुरक्षा की जाए, और इनको जो बार इनका नाम FIR से दारा सिंह का निकाला, जो बंदे उनके साथ दे रहे हैं इनको और अरेस्ट किया जाए और इनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। गाड़ी में फायरिंग हुई, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की? ये सुरेंद्र सिंह फौजी की कंप्लेंट के ऊपर पुलिस वहाँ गई थी, 3-4 चौके में खुद भी गया था, मौका देखे आया था, उस पर फायरिंग का कह रहे हैं भी कोई अज्ञात व्यक्तियों ने जैसे उसके ऊपर फायर किया है, गाड़ी पर फायर किया है, तो उसके संबंध में एप्लीकेशन मिली हुई है और उसकी जांच की जा रही है, मैंने सीन ऑफ क्राइम टीम को भी वहाँ भेजा है, वो क्या रिपोर्ट देती है। तो सर कोई आरोप लगाया है कि जैसे जिसकी गाड़ी पर फायर हुआ है उसके भाई की पहले मर्डर का मामला है? वो देखो मर्डर तो पहले उसका एक हुआ था, उसको मुकदमा 302 का दर्ज था, लेकिन वो बारदार है ना, वो उसको वो कर रहे हैं चिन्हित कर, अभी यही आदमी है वो उसके भाई के खिलाफ ही वो कार्रवाई चाहता है, जैसे अभी तो खैर उसकी जो आरोपों की पुष्टि है ना वो करेंगे, जैसे मान लो वेरीफाई करेंगे उसको कि क्या कहानी आ गई। तो जो फायरिंग सर हुई है गाड़ी पे कोई और इंजर्ड भी है? इंजर्ड नहीं है, वो मैंने CCTV कैमरे से मैंने खुद फुटेज उसकी चेक की थी, उसका एंगल ऐसे है जैसे वो गाड़ी पे फायरिंग जैसे उस एंगल के हिसाब से, मतलब ये लग भी नहीं थी हिसाब से वो, कि वो जो फ्लैश इस साइड से ऐसे आ रही है, तो उसको है ना सीन ऑफ क्राइम टीम उसको दोनों को चेक करेगी, अगर फायर उस गाड़ी में हुआ है तो उसके पैलेट वगैरह भी वहाँ मिलेंगे, सीटों के अंदर या गाड़ी के अंदर, वो सारी गाड़ी की है ना वो माइन्यूटली उसको चेक करेंगे। कार्रवाई क्या है सर, FIR दर्ज होगी? इसकी एप्लीकेशन